बाल्टिक देश एस्टोनिया की बड़ी चेतावनी। चेतावनी क्या है यह भी आपको बताते हैं, सिर्फ नाटो और परमाणु हथियार ही यूक्रेन को बचा सकते हैं, एस्टोनिया की ओर से कहा गया है। और साथ ही एस्टोनिया के विदेश मंत्री अरमास राइनसालू का बयान है कि रूस से शांति समझौते में यूक्रेन को दरकिनार ना किया जाए। यूक्रेन अगर हार गया तो फिर रूस और घातक हथियार बनाने वाला है। यूक्रेन पर रूस हावी हुआ तो इसका जिम्मेदार नाटो होगा, ये दावा बाल्टिक देश और रूस के पड़ोसी एस्टोनिया ने किया। एस्टोनिया के विदेश मंत्री अरमास राइनसालू ने नाटो को आड़े हाथों लेते हुए यूक्रेन को ग्रे जोन में ढकेलने का आरोप लगाया। अरमास राइनसालू ने नाटो सहयोगियों से कहा कि रूस के साथ शांति के बदले यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से बाहर रखना भूल होगी। ऐसा करने से यूक्रेन बीच मझधार में फंस जाएगा और इससे रूस की आक्रामकता और बढ़ेगी, रूस और घातक हथियार बनाएगा। राइनसालू ने कहा कि नाटो देश यूक्रेन की महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि नाटो को अपने ओपन डोर पॉलिसी और यूक्रेन को उसमें शामिल करने की प्रतिबद्धता को लेकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अब तक जो कदम उठाए गए हैं वो नाकाफी हैं। राइनसालू ने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि हम रूस से डरते हैं। राइनसालू ने कहा कि ऐसे में रूस फिर से हमला करेगा और यूरोपियन महाद्वीप के युद्ध में नाटो को शामिल होना ही पड़ेगा।